बीच में हम सोच रहे कि क्यों ना आप बुंदेलखंड से आए हैं। अच्छा, तो कट बीच में आपको बुंदेलखंडी तर्ज ही सुनाई जाएगा। कुत्ता चाटे सीधे को, हर कोई ताटे सीधे पेड़।
समाज दादा श्री जय करण सिंह जी पूर्व प्रधान जी जगतपुर आपके कार्यक्रमों से ये 500 पुत्राओं का स्नेह आया है। आदरणीय प्रधान जी को नमन है। एक बार तालियां बजा दीजिए आप लोग। क्या बात प्रधान जी, वाह बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद सुने आप तो कहना अरे नाचना चेला महादानी, जैसे गुरु महाज्ञानी वैसे चेला महाज्ञानी, जैसे गुरु स्वाभिमानी वैसे चेला स्वाभिमानी। जवाब आया है जैसे बाप धनुर्धारी वैसे चेला धनुर्धारी, जैसे बाप बलधारी वैसे चेला बलधारी, वैसे पुत्र महाबलधारी। आदरणीय राखी आजाद जी, आपके जो पिता पुत्र लगे हैं ये वास्तव में दोनों नहीं जानते कि ये मेरे पिता हैं और ये मेरा पुत्र है। ये जब भगवान शंकर और गणेश जी का युद्ध हुआ तब न तो भगवान शंकर जानते थे कि ये मेरा पुत्र है, न गणेश जी जानते थे कि ये मेरा पुत्र है। ये बाप बेटे, गणेश जी नहीं जानते थे कि ये मेरे बाप है। अगर ये दोनों लोग जानते होते तो युद्ध तो होता ही नहीं। समझो, न भगवान युद्ध तो होता ही नहीं। अर्थात तुम्हारा जवाब जो है 0/0। ये दोनों लोग एक दूसरे को नहीं जानते और अनजाने में अगर युद्ध हो जाए तो वो युद्ध नहीं है। ले बेटे सी बात पे भैया, हमारे मानी शमानी बबलू सिंह जी जगतपुर, हमारे भैया बहुत अच्छे कीर्तन के श्रोता हैं, 201 रुपए का आशीर्वाद इसी जवाब पे आया है। यही तो आशीर्वाद चाहूं, अनजाने में युद्ध हो जाए वो कोई खास बात नहीं है, लेकिन मेरा जो युद्ध हो रहा है ये जानबूझ के हो रहा है कि तुम मेरे गुरु हो और मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मैं पीछे हटने वाला नहीं। ये बात, ये जानबूझ के युद्ध हो रहा है। और जान के जब युद्ध हो जाए, कोई ऐसा युद्ध लाते जिसमें जान के हो जाए कि हाँ तुम मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारा बाप हूँ, आओ हो जाए। अरे अनजाने में तो दुनिया की हो जाती है, यह कोई विशेष बात नहीं है। वाह बेटे वाह, शाबाश। चलो खैर चलते हैं। छोड़ो, छोड़ दिया, छोड़ो छोड़ो। फिर एक बात आई कि लोग मेरे गुरु के पीछे पड़े हैं। ऐसे कैसे जाने? मैंने आपके लिए कुछ कहा ही नहीं ना? मैं तो ये कह रहा हूँ इस कलयुग में ऐसा हो रहा है, गली गली गुरुआ फिले, हमसे दक्षिणा ले, नर्क मिले या स्वर्ग मिले हमें रुपया दे। यह कलयुग में हो रहा है। मैंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया ना मैंने किसी से कहा है, क्षमा करें। सुनिएगा, सुनिए। खंडगीत बहुत प्यारा आया, बहुत बढ़िया बेटे, के हर महीना उछे रहे पिटे रहो। ये अरे हर महीना उछर पेट्रोल डीजल का बढ़ता है मोल, संगर हो गई हर देखो। अरे धरी बासमती देखो शराब है, महंगाई डाइन खाए जाते। अरे सखी सैया तो खूब ही कमाते है, महंगाई डाइन
आजाद जी कह रही है सीधे को कुत्ता चाटे। अच्छा इसका मतलब हम आपको बहुत तेज तुर्रा किया टेढ़े समझ में। हम तो बहुत समझते हैं कि आप लोगों का सीधा मंडल है, बहुत सीधे साधे कलाकार हैं ये लोग, मतलब हमेशा सभ्यता में गाते हैं, इस बात का मुझे गर्व है। अब अगर मैं आपको सीधा कहूँ तो आपका कटबीज कह रहा है सीधे का मुंह कुत्ता चाटे और सीधे मड़ई को हर कोई डांटे। अच्छा रखिए आजाद जी, हमारे यूपी के जो सीएम साहब हैं योगी जी, वो भी तो बहुत सीधे हैं, किसी में हिम्मत है जो उन्हें डांट दे? कोई, वो भी तो सीधे हैं, भगवान राम के भक्त हैं, हमेशा जय श्री राम करते हैं, क्या किसी की हिम्मत है जो उनको कोई डांट दे? हर सीधे को नहीं डांटता, हर सीधे को नहीं डांटा जाता, क्योंकि आज भी हमारे साथ हमारे समाज में हर इंसान अपने पुत्र और संबंधियों को यही बताता है कि हमें सदाचार के साथ रहना चाहिए। हर सीधे का मुंह कुत्ता नहीं चाटता है। अब सुनेगा आपका जवाब अपनी तरफ से, सुनिए। अंधा क्या चाहे दो आंखें, चाहे दो आंखें अंधा रेवड़ी चीन के वाटे, अंधा बहुड़ा कीचड़ चाटे। अंधा क्या चाहे दो आंखें अंधा रेवड़ी चीन के वाटे और अंधा बगुला कीचड़ चाटे। इसलिए सुनिए और इसी जवाब पे भैया हमारे माननीय सम्मानी जयप्रकाश सिंह जी चौहान 101 रुपए का आशीर्वाद दे रहे हैं, सादर नमन कर रहा हूँ, सुनेगा। अंधा क्या चाहे दो आगे अंधा रेवड़ी चीन के बाटे, अंधा बगुला कीचड़ चाटे। अंधेर नगरी का राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा का हाथ है, अंधा अंधेर करे जात है। जो वास्तव में किसी न किसी मत में अहंकार में अंधा है वो वास्तव में अंधेर करता है, और जो भगवान की कृपा से चल रहा है वो कभी अंधेर नहीं करेगा। इसलिए सुनिएगा, सुनिए। अंधेर नगरी चौपट राजा का हाथ है, अंधा अंधेर करे जाते हैं, चौपट राजा का हाथ है, अंधा अंधेर करे जाते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा का हाथ है, अंधा अंधेर करे जाते हैं। अगली बात, अरे उल्टी गिनती हमें पढ़ाना और उल्टी गंगा आज बहाना, उल्टी माला आज फिराना, उल्टी सीधी का फेर पलट जात है। कहा भगवान की कृपा हो जाए तो उल्टे दिन चले जाए सीधे दिन आ जाए, मतलब पूरे दिन चले जाए सीधे दिन आ जाए। उल्टी सीधी का फेर पलट जात है, उल्टी चाल में उल्टी आते हैं, पलट जाते हैं उल्टी चाल में उल्टी आते हैं, उल्टी सीधी का फेर पलट जाते हैं, उल्टी चाल में उल्टी आते हैं, उल्टी चाल में उल्टी आते हैं। अगर किसी के साथ गलत करोगे तो निश्चित है कि भगवान तुम्हारे साथ में भी गलत करेगा। एक बहुत प्यारा गीत आपकी तरफ से आया है, बहुत बढ़िया बेटे, गीत जिसने भी लिखा है उन कर कमलों को मैं सादर नमन करता हूँ। जय हो। प्रयास देखिए हम बच्चों की तरफ से। अरे जमाने में नहीं, बंद हो जाओ, बंद हो पानी भैया, Thank you.